आप देख रहे हैं satyahindi.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 4 राज्यों में मिली हार का असर विपक्षी गठबंधन इंडिया में देखने को मिल रहा है। दरअसल 6 दिसंबर बुधवार को विपक्षी गठबंधन की बैठक होनी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं इस बीच खबर है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होने से परहेज कर सकते हैं। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी सूत्रों का कहना है कि अखिलेश को इंडिया गठबंधन की इस बैठक में जाने की कोई जल्दी नहीं है और कांग्रेस के साथ रिश्ते सामान्य होने तक वह मीटिंग में जाने से परहेज कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सपा की सहयोगी पार्टी अपना दल कमेराबादी ने भी कांग्रेस द्वारा बुलाई गई इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल होने से इनकार किया है। वहीं ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल न होने के पीछे कारण देते हुए कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे किसी ने इस बैठक के बारे में नहीं बताया और ना ही इस संबंध में मुझे कॉल कर सूचित किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तरी बंगाल में मेरा 6 से 7 दिन का कार्यक्रम है, मैंने अन्य योजनाएं भी बनाई हैं। अगर अब वे मुझे इस बैठक के लिए बुलाते हैं तो मैं अपनी योजनाएँ कैसे बदल सकती हूँ। देश के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में साइक्लोन मिचौंग का कहर जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइक्लोन मिचौंग की वजह से चेन्नई में भयंकर तूफान और तेज बारिश के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। इस बीच चक्रवाती तूफान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. Stalin से बात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस चक्रवात के आज मंगलवार 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। आज मंगलवार सुबह यह नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश तट से टकरा सकता है। ऐसे में दोनों राज्यों की सरकार और केंद्र अलर्ट पर है। राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को सुरक्षा उपाय के लिए हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता कमलनाथ आज मंगलवार 5 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच खबरें जोर पर हैं कि नई दिल्ली में होने वाले इस मुलाकात के दौरान कमलनाथ अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों ने सोमवार को कहा कि कमलनाथ के मंगलवार को खड़गे से मिलने की संभावना है और इस दौरान उनसे मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है। सूत्रों ने साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व कथित तौर पर कमलनाथ के सोमवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से नहीं मिलने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने से भी नाराज है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कल सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी थी और इसके पीछे तर्क दिया था कि जब वह मुख्यमंत्री बने थे तब शिवराज भी उनसे मिलने पहुंचे थे। तेलंगाना राज्य में सरकार बनाने वाली कांग्रेस में अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। हालांकि पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके मुख्यमंत्री बनने की राह इतनी आसान नहीं लग रही। बता दें कि रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में कांग्रेस की सफलता का मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके उनका मुख्यमंत्री बनने का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि BRS और BJP की युवा शाखा के पूर्व सदस्य 54 वर्षीय रेवंत रेड्डी के खिलाफ पार्टी में आलोचक भी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी संभावित नियुक्ति पर विरोध किया जा रहा है। वहीं NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि पार्टी में CM पद के लिए रेवंत रेड्डी ही पहली पसंद है। एक सूत्र ने कहा कि हम पर्यवेक्षकों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेंगे, लेकिन रेवंत रेड्डी स्पष्ट रूप से सबसे आगे हैं। इन सूत्रों ने ये भी कहा कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ बैठक के बाद ही किसी नाम की घोषणा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि पर्यवेक्षक मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बता दें कि रेवंत रेड्डी के अलावा CM की रेस में एक दूसरे नाम की भी चर्चा है और वो है मल्लू भट्टी विक्रमार्क, जो कि एक दलित नेता है और राज्य में एक प्रमुख चेहरा भी। सूत्रों का कहना है कि 62 वर्षीय नेता की यात्रा ने कांग्रेस की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिजोरम के 40 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में ZPM ने 27 सीटों पर जीत हासिल कर MNF को हरा दिया है।
MNF को जहां 10 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा तो वहीं बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। बता दें कि मिजोरम के इतिहास में यह पहली बार होगा कि 1987 में हुए इसके गठन के बाद अब पूर्वोत्तर राज्य पर गैर कांग्रेस या गैर MNF सरकार का शासन होगा। इस बीच खबर है कि ZPM के प्रमुख नेताओं में से एक लाल दुहोमा को मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। बता दें कि लाल दुहोमा 1977 बैच के पूर्व IPS अधिकारी हैं और उस दौरान उन्होंने अपनी इतनी मजबूत प्रतिष्ठा बनाई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनसे प्रभावित थीं। इंदिरा गांधी ने 1982 में उनका नई दिल्ली तबादला कर दिया था और बाद में उन्हें अपनी सिक्योरिटी का हिस्सा बना लिया था। बता दें कि लाल दुहोमा कांग्रेस से भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और वे विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले सांसद बने। ब्रिटेन की सरकार देश में अप्रवासियों की संख्या कम करने के लिए लगातार एक्टिव है। इसी क्रम में कल सोमवार को ब्रिटेन सरकार ने अप्रवासियों की संख्या कम करने के लिए कुछ सख्त कदमों की घोषणा की है, जिनमें विदेशी श्रमिकों के लिए कौशल आधारित वीज़ा हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा वेतन सीमा तय करना और परिवार के सदस्यों को अपने आश्रित के रूप में लाने पर रोक शामिल है। इसके मुताबिक कौशल श्रमिक वीज़ा हासिल करने की जो वर्तमान वेतन सीमा है यानी 26,200 ब्रिटिश पौंड अब वह बढ़ाकर 38,700 ब्रिटिश पौंड कर दी जाएगी। इसके अलावा इस कार्रवाई के तहत स्वास्थ्य और देखभाल वीज़ा पर डॉक्टर अब अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपने साथ नहीं ला सकेंगे। बता दें कि ब्रिटेन के गृह मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते दौरान यह जानकारी दी। इसके साथ ही क्लेवर्ली ने संसद को बताया कि नए नियम 2024 की शुरुआत में प्रभावी होंगे। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से लगभग 3 लाख लोगों पर असर होगा जो अब नए उपायों के आधार पर UK में प्रवेश करने के पात्र नहीं होंगे। बता दें कि इसका असर भारतीयों पर भी पड़ेगा। इसराइल और हमास में एक बार फिर युद्ध शुरू हो चुका है। इस बीच इसराइली रक्षा बल के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि वह हमास के आतंकवादियों के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। हगारी ने कहा कि हमने हमास का उत्तरी गजा में पीछा किया और अब हम उसका दक्षिणी गजा में पीछा कर रहे हैं। हम हमास आतंकियों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा बल का इस्तेमाल करेंगे। दोनों पक्षों के बीच हुए 7 दिन के युद्ध विराम का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि हमारी सेना ने 7 दिन का संघर्ष विराम चुना था जिससे कि खुफिया जानकारी की समीक्षा की जा सके, लेकिन हमास ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। हमास संगठन ने बंधक बनाए गए महिलाओं और शिशुओं की रिहाई को अस्वीकार करते हुए इसराइली घरों में रॉकेट भी दागे। इससे यह स्पष्ट होता है कि आतंकी संगठन ने युद्ध को चुना है। हगारी ने कहा कि हम हमास के खिलाफ युद्ध के नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं और अब हम अपनी गलतियों से सीखे हुए सबक का प्रयोग इस नए युद्ध में करेंगे। खालिस्तानी आतंकी और प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुख लखबीर सिंह रोड़े की पाकिस्तान में मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। मौत की पुष्टि लखबीर के भाई और अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह रोड़े ने की है। जसबीर सिंह ने बताया कि मेरे भाई के बेटे ने हमें बताया है कि पाकिस्तान में हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है और पाकिस्तान में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया है। बता दें कि लखबीर सिंह रोड़े खालिस्तानी आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरांवाले का भतीजा था और भारत के आतंकियों की लिस्ट में भी उसका नाम शामिल था। पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला लखबीर भारत से फरार होकर दुबई गया था और बाद में वह दुबई से पाकिस्तान चला गया। इस दौरान साल 2002 में भारत ने पाकिस्तान को 20 आतंकियों को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए एक लिस्ट भी सौंपी थी जिसमें लखबीर सिंह रोड़े का नाम भी शामिल था। भारत सरकार के डॉजियर के अनुसार लखबीर सिंह रोड़े के इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन ने ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और अमेरिका समेत कई जगहों पर अपनी शाखाएं शुरू की थीं। साथ ही वे भारत में गैरकानूनी तरीके से हथियार और विस्फोटक भेजने का भी आरोपी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।